हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज़ अंजुमोरिया और आज के अपने इस टॉपिक में हम आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिकैप्चुलेशन थियरी और दूसरा टॉपिक है एटाविज्म हम दोनों के बारे में आज आपको बताएंगे कि रिकैप्चुलेशन थियरी या बायोजेनेटिक लॉ क्या होता है जिसको हम आंटोजनी रिपीट्स फाइलोजेनी के नाम से भी जानते हैं और साथ साथ एटाविज्म क्या होता है तो अब आप जाइए देखिए यहाँ पे जो बायोजेनेटिक लॉ या रिकेफुलेशन थियरी है इसको प्रपोज तो मुल्लर ने किया था लेकिन इसको एक्सप्लेन हेकल ने किया था इसको हम एम्ब्रियोलॉजिकल पैरालिज़म के नाम से भी जानते हैं ठीक है इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये बात कही हैकल ने कि भाई देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अपने एंसेस्ट्रल फीचर्स को रिपीट करता है या दोहराता है मतलब जैसे ही एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जो उसके बिल्कुल एंसेस्टर के जैसे दिखता है वो या आप कह सकते हो एंसेस्टर का फीचर होता है वो तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑन्टोजिनी ऑन्टोजिनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और फाइलोजिनी का मतलब होता है एवोलूशनरी हिस्ट्री तो ऑन्टोजिनी रिपीट या रिकैप्चुलेट्स फाइलोजिनी इसी को कहा जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हार्ट डेवलपमेंट हार्ट डेवलपमेंट इन मैमल अब मैमल में अगर हर्ट फोर चैम्बर्ड है तो ये अचानक से फोर चैम्बर्ड नहीं हो गया एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले फिश लाइक हर्ट बना मतलब टू चैम्बर्ड फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल लाइक बना मतलब थ्री चैम्बर्ड और फिर तब जाके फोर चैम्बर्ड हर्ट बना तो मतलब एक ऐसी अवस्था थी जब ये एम्ब्रियो अपने एनसेस्टर के फीचर को भी रिपीट कर रहा था पहले टू चैम्बर्ड फ़िश लाइक फिर थ्री चैम्बर्ड फिर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स लाइक और फिर फोर चैम्बर्ड बना इसी तरीके से टेडपोल के एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में एक जो सॉरी के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक स्टेज आता है लार्वल स्टेज जिसमें को भी कहा जाता है जीएसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया था पॉलीवुग्स के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो फ्रॉक के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो टैटपोल लार्वा है वो बिल्कुल फिश के जैसा दिखाई देता है तो फ्रॉक का एंसेस्टर कौन है फिशेस ही है एम्फीबियन के एंसेस्टर कौन है फिशेस है इसी तरीके से Osionfish. जो अगर हम बात करें कैटर पिलर लारवा जो आर्थोपोडा का जैसे सिल्क वम का लार्वा कैटर पिलर लार्वा होता है वो एनिलीडा के जैसे दिखता है मतलब कुल मिला के जो सिल्क वम का एम्ब्रिक स्टेज है उसमें जो उसका लार्वल स्टेज है वो एनिलीडा के जैसे दिखता है इससे ये पता चलता है कि आर्थोपोडा का इंसेस्टर एनिलीडा है ठीक है तो इस तरीके से ऑनटोजिनी रिपीट्स फाइलोजिनी के ये सारे एग्ज़ाम्पल हैं और इसको हेकल ने एक्सप्लेन किया था इसके सारे एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये है आपका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये है आपका एटाविज्म या रिवर्जन एटाविज्म या रिवर्जन एटाविज्म या रिवर्जन किसको कहते हैं तो देखिए एटाविज्म का मतलब होता है सडन रीअपेयरेंसेस ऑफ सम एंसेस्ट्रल फीचर्स इन न्यूबॉर्न मतलब अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हो जो उनके एनसेस्टर में प्रेजेंट थे वो अपीयर हो जाए जैसे प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट टेल टेम्प्रेरी टेल है ठीक है प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट एंड टेम्प्रेरी टेल इन न्यूबॉर्न बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें छोटी सी टेल कॉक्सीजियल बोन का ही एक्सटेंशन होता है एक्चुअली तो वो टेल दिखाई देती है हालांकि ये टेम्परेरी होती है तो ये एनसेस्टर फीचर है लार्ज केनाइन बच्चा पैदा हो रहा है उसमें केनाइन प्रेजेंट है ये एनसेस्टर का फीचर है सर्वाइकल फिस्टूला सर्वाइकल रीजन में कुछ पोर प्रेजेंट है जो गिल स्लिट्स होते हैं ये इन्सेस्टर का फीचर है एक्स्ट्रा निपल्स मतलब नॉर्मल निपल्स से ज़्यादा प्रेजेंट है एनसेस्टर का फीचर है जिसको पॉलीथीलिया के नाम से जानते हैं लॉयन बेबी ऑफ रसिया लॉयन बेबी ऑफ रसिया का मतलब रसिया में एक बेबी पैदा हुआ तो उसकी बॉडी पे पूरा डेंस और थिक हेयर्स प्रेजेंट थे लार्ज हेयर्स प्रेजेंट थे तो इसलिए इसको लॉयन बेबी ऑफ रसिया का कहा गया जो कि लार्ज हेयर्स हमारे एनसेस्टर के फीचर है तो आई होप कि आपको एटाविज़म और रिकैप्चुलेशन थियरी अच्छे से समझ में आ गया होगा बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं बायोलॉजी का आप सी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बायोलॉजी से जुलोजी हो या बॉटनी हो आ, सारा हम ही पढ़ाते हैं ठीक है और अगर आप आ, आ, बात कर लें टी जी टी पी जी टी एल टी जी आई सी एम आर एस एन वी एस के वी एस डी ट्रिपल एस वी किसी भी स्टेट का टी जी टी पी जी टी देना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज़ में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे और आपको लाइव लेक्चर्स मतलब हमारे पास लाइव बैचेस और रिकॉर्डेड बैचेस दोनों अवेलेबल है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सही जानकारी ले सकते हैं ओके बाय बाय सभी कॉल द बेस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले सभी को ऑल द बेस्ट